नमस्कार मित्रों, इंडिया 365 के खास पेशकश समीकरण में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जलगांव की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया जब पूर्व विधायक अर्थात पूर्व आमदार सुरेश दादा जैन ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि वो फिर एक बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जलगांव जिले के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि राजनीति के पुराने धुरंधर है, पुराने कप्तान है सुरेश दादा जैन, जो एक नहीं दो नहीं कई बार इस जलगांव नगरी के जलगांव तालुके के आमदार रहे हैं। लेकिन उनकी लगातार आमदार की जो एक टर्म थी वो राजू मामा भोले ने पिछली बार पिछले पंचवार्षिक में उस लिंक को ब्रेक किया था। लेकिन इस बार हालत कुछ और है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति नहीं थी, इस वजह से बीजेपी शिवसेना मनसे राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये सभी सेपरेट सेपरेट चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है। केंद्र में बीजेपी और शिवसेना की सत्ता है, दोनों की युति है। अब बहुत बड़ी संभावना है कि यहां पर भी महाराष्ट्र में भी दोनों की युति होगी। कोई बड़ी घटना होती है, कोई चमत्कार होता है या कोई राजकीय अपरिहार्यता होती है तो बीजेपी और सेना सेपरेट लड़ेगी। लेकिन 99.99% ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और सेना साथ में ही लड़ेगी। तो जिस तरह की परिस्थिति जलगांव में अभी आने वाली है, जैसा कि जो वर्तमान आमदार है वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कई वर्षों से देखा गया है कि शिवसेना जलगांव की सीट लड़ा करती थी और जलगांव से जीता भी करती थी। लेकिन अब बड़ी ही पेचीदा स्थिति निर्माण हो गई है। एक तरफ वर्तमान आमदार है जो भारतीय जनता पार्टी से है, और एक तरफ पूर्व आमदार है जो लगातार इस सीट से जीतते आए हैं। लेकिन यही परिस्थिति हम लोगों को पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। जहां जहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के आमदार है उससे पहले वहां पर अगर शिवसेना के रहे होगी तो निश्चित रूप से वो दावेदारी करेगी। जहां तक खानदेश का मामला है तो खानदेश में तो गिरीश महाजन नाम का एक व्यक्ति है जो हीमैन है, जो सुपरमैन है, जो बैट्समैन है, जो संकट मोचक है, और अभी राजनीति में उनकी तूती बोल रही है। जो भी गिरीश महाजन बोलते हैं, मंत्री महाजन बोलते हैं, बस वैसे ही राजकारण में होता है। इस तरह की बात खानदेश ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर आजकल बोली जाने लगी है। हाँ, अगर गिरीश महाजन डोमिनेट करते हैं और अगर उनके मन में इच्छा होती है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलना चाहिए, यहाँ का टिकट बीजेपी को मिलना चाहिए, तो बहुत बड़ी संभावना है। हम अभी से टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संभावना है कि ये सीट बीजेपी को छूट सकती है। लेकिन अगर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अगर किसी तरह से बात को मनवा लेते हैं कि जलगांव की सीट शिवसेना के पाले में जानी चाहिए, क्योंकि शिवसेना ने 7 से 8 बार लड़ा है। हालांकि सुरेश दादा जैन जो है कभी किसी पक्ष के, किसी पार्टी के, किसी सियासी पार्टी के मोहताज नहीं रहे हैं। सुरेश दादा जैन अपने आप में एक पक्ष है। जब वो एक दौर था जब वो किसी भी पार्टी से खड़े होते तो आराम से जीत के आते जलगांव में, इस तरह की हालत थी। लेकिन अभी क्या शिवसेना और बीजेपी की ये कश्मकश उनके अंदर संघर्ष की एक ज्वाला उत्पन्न कर सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिर आते हैं हम वर्तमान आमदार राजू मामा भोले की तरफ। राजू मामा इन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करेंगे? राजू मामा जो कि वर्तमान आमदार है, और वैसे तो राजू मामा भोले है, भोले भाले हैं, अगर उनके मन में आता है तो वो ये सीट दादा के प्यार में, उनके सम्मान में इस सीट को त्याग भी सकते हैं। लेकिन सत्ता ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लालयित करती रहती है। तो ये भी हो सकता है कि राजू मामा फिर से एक बार बीजेपी की सीट की तरफ से खड़े रहे और संभवतः जीत के आए। या फिर ये भी संभावना जता जा रही है कि अगर बीजेपी को ये सीट किसी वजह से नहीं मिलती है शिवसेना की तरफ से, शिवसेना को ये सीट दे दी जाती है और सुरेश दादा जैन उस पर लड़ते हैं, तो ये एक संभावना भी हो सकती है कि राजू मामा भोले अपने सभी विकल्प खुले रखेंगे। ये सिर्फ प्राथमिक अनुमान है कि राजू मामा अपक्ष खड़े रह के भी या पार्टी बदल की भी फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन ये सब है इफ एंड बट की बात है। आपको बता दें कि सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स का खेल, इट इज नॉट द गेम ऑफ इफ एंड बट, इट इज द गेम ऑफ फैक्ट। सो आने वाले दिनों में ये चित्र स्पष्ट होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिलती है खड़े रहने के लिए या फिर शिवसेना को। तो आप देखते रहिए इंडिया 365 लाइव। समय समय पे हम इसी तरह की खबरें, एनालिसिस, विश्लेषण आप तक लाते रहेंगे। अब फिलहाल दीजिए आयाज मोहसिन को इजाजत। थैंक यू।